नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम विनीता सिंह है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक ग्रामर जिसका नाम है उपसर्ग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं, आज हम इसका रिवीजन लेने वाले हैं क्योंकि किसी भी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए, उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका बार बार रिवीजन करना, पुनरावर्तन करना। तो आज की इस कक्षा में हम रिवीजन करने वाले हैं, पुनरावर्तन करने वाले हैं हमारे ग्रामर के एक टॉपिक का, उपसर्ग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का विषय है उपसर्ग, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। ये हिंदी व्याकरण का ऐसा ग्रामर है जो आपको शब्द संपदा के पोर्शन में पूछा जाता है। आपको 14 या 16 मार्क्स का जो ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें ये प्रश्न पूछे नहीं जाते, बल्कि आपको पैराग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की श्रेणी में, यानी शब्द संपदा का जो क्वेश्चन होता है वहां पर ये उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उपसर्ग में और प्रत्यय में पहले कौन सा शब्द लगाना होता है और बाद में कौन सा शब्द लगाना होता है। तो जब हम इन स्लाइड्स के माध्यम से इसको समझेंगे तो ये हमारे लिए समझना और परीक्षा में लगान उपसर्ग और प्रत्यय का इस्तेमाल करना ज़्यादा सरल हो जाएगा। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इस उपसर्ग में दो शब्द हैं, उप और सर्ग, इन दोनों के मेल से बनता है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। समीप यानी पास में और सृष्टि करना यानी रचना करना, कुछ नया निर्माण करना। तो संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के माध्यम से या संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है ऐसा हम मानते हैं। तो जो भी शब्द संस्कृत से आए हैं, जो जिन भी भाषाओं का निर्माण संस्कृत के द्वारा हुआ है, उन सभी भाषाओं में इस तरह के उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम उपसर्ग देख रहे हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, उपसर्ग जो है वो दो शब्दों का मेल है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप यानी पास में और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी कुछ नया निर्माण करना। सरल शब्दों में अगर आप समझेंगे तो शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या फिर उसमें विशेषता लाते हैं। यानी जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो उपसर्ग क्या होते हैं, कुछ शब्दांश होते हैं, वो पूरे शब्द नहीं होते, वो कुछ शब्दांश होते हैं। ये शब्दांश, जो शब्दांश हमें दिए हुए हैं उसके साथ में जुड़कर या तो जो मूल शब्द है हमारा उसका अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें कुछ नई विशेषता लाते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं उपसर्ग। शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों में हमें उपसर्ग को लगाना होता है, ये उपसर्ग जो होते हैं वो केवल एक शब्दांश होते हैं। तो इनका स्वतंत्र रूप से कोई इतना महत्व नहीं होता, ना ही इनका इतना अर्थ निकल कर आता है। जब वो शब्द के साथ जुड़ते हैं तो वो उस शब्द को नया अर्थ या फिर उसे नई विशेषता प्रदान करते हैं। तो ये है हमारा उपसर्ग।
अगर उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो हार, हार ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय यानी हारना। लेकिन इसके आगे आ शब्द लगने से एक नया शब्द बनेगा जैसे आहार, और इसका मतलब हो जाता है भोजन। तो हमारा मुख्य शब्द क्या था, जो मूल शब्द हमें दिया गया था वो था हार। हार का अर्थ बिल्कुल अलग होता है, हार का अर्थ होता है पराजय, हारना। लेकिन इसके पहले हमने एक शब्दांश लगाया। क्या शब्दांश था वो? आ। आ शब्दांश लगाने के बाद हार का जो नया रूप हुआ वो क्या बन गया? आहार। और इस आहार का अर्थ निकलता है अब भोजन। तो यहाँ पर हमने हार इस मूल शब्द में जो शब्दांश जोड़ा, उस शब्दांश की वजह से हार शब्द का जो मूल अर्थ है वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया, उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया। तो ये होते हैं उपसर्ग, जिनके माध्यम से, उपसर्ग शब्दांशों के माध्यम से हम किसी भी शब्द के मूल अर्थ को या तो बिल्कुल ही बदल सकते हैं या फिर उसमें नई विशेषता ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, किसके अर्थ में? मूल शब्द, जो मूल शब्द दिया हुआ है उस मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देखेंगे तो प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, इन शब्दों में क्रमशः प्र, अभि, वि, उप ये उपसर्ग लगे हुए हैं, और ये प्र, अभि, वि, उप ये सारे शब्द जो है वो शब्दांश हैं। ये शब्द नहीं है, ये एक शब्दांश है, इनका अपना अलग कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध में प्र जो है वो सिद्ध के साथ जुड़ा है, अभी में, अभी जो है वो मान के साथ जुड़ा है, वी नाश के साथ जुड़ा हुआ है, उपकार के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन शब्दों के साथ जुड़कर वो इन शब्दों को नई विशेषता प्रदान करते हैं। ये है हमारे उपसर्ग, इन्हें हम कहते हैं उपसर्ग, जो एक शब्दांश के रूप में होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको याद रखनी है कि उपसर्ग शब्द से पहले लगाए जाते हैं, हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स, प्री यानी पहले। तो शब्द जो हमें, मूल शब्द जो दिया हुआ है, अगर उसमें हमें उपसर्ग लगाने के लिए कहा है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के किसी भी शब्द से पहले जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अन बन बनता है, जिसका विशेष अर्थ होता है मनमुटाव। बन ये एक शब्द है, इसके पहले जब हमने अन उपसर्ग लगा दिया तो एक नया शब्द बना, वो है अनबन, और इसका अर्थ हो जाता है मनमुटाव होना। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है, जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर ना होकर तेजी आई है। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से शब्द जो है वो मूल शब्द, शब्दांश जो है वो मूल शब्द पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं वो हमने देखा, या तो वो उसका अर्थ में तेजी लाते हैं या फिर कभी कभी वो उसके अर्थ को बिल्कुल ही उल्टा बना देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय याद रखने के लिए मैंने पिछली बार भी आपको ये ट्रिक बताई थी कि जिस तरह हमारी बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी भी दो शब्दों से या दो वस्तुओं से बनी हुई है। इसमें एक हिस्सा होता है बैल और दूसरा हिस्सा होता है गाड़ी।
तो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय को हम इस माध्यम से समझ सकते हैं कि बैलगाड़ी में जिस प्रकार बैल जो है वो हमेशा आगे की तरफ होता है, उसी तरह उपसर्ग जो है वो हमारे शब्दों में आगे की तरफ होता है। यानी शब्द में पहला हिस्सा जो है, जब हम जोड़ते हैं शब्द की शुरुआत में जो हिस्सा या शब्दांश हम जोड़ते हैं, वो हम उसे हम कहते हैं उपसर्ग। यानी बैलगाड़ी में जो बैल है वो हमारा उपसर्ग है। और प्रत्यय, प्रत्यय यानी हमारी गाड़ी, शब्द का अगला हिस्सा, यानी शब्द के अंत में जब हम कुछ शब्दांश जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो इस तरह बैलगाड़ी के माध्यम से, हालांकि बैलगाड़ी का इस उपसर्ग और प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको याद रखने के लिए कि उपसर्ग हम कहाँ लगाते हैं और प्रत्यय हम कहाँ लगाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पहले उपसर्ग लगता है या उपसर्ग बाद में लगता है या प्रत्यय पहले लगता है। तो इसके माध्यम से आपको याद रखना सरल हो जाएगा कि बैलगाड़ी में जिस तरह बैल आगे होता है उसी तरह उपसर्ग शब्दों में आगे होता है, और जिस तरह गाड़ी पीछे होती है उसी तरह प्रत्यय जो है वो शब्द के आखिर में या अंत में लगाए जाते हैं। अब है उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की विशेषता क्या है, उपसर्ग लगाए क्यों जाते हैं या लगाने पर इसके परिणाम क्या होते हैं। तो उपसर्ग जो है वो उसकी तीन प्रकार की विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता है कि ये शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। यानी हमारे सामने जो मूल शब्द दिया हुआ है उसमें हम अगर कोई शब्दांश या कोई उपसर्ग लगाते हैं तो उसके उस मूल शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। जैसे प्र धन बल मिलकर बनता है प्रबल। यानी बल इस शब्द के साथ मैंने प्र उपसर्ग लगाया तो ये बन गया प्रबल। इसका अर्थ जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, बल और प्रबल दोनों का अर्थ जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ है, केवल बल के अर्थ में एक विशेषता आई है, अब ये बन गया है प्रबल। इसी तरह शासन, शासन शब्द के साथ जब हमने अनु शब्दांश को जोड़ा यानी अनु उपसर्ग को लगाया तो ये शब्द बन गया अनुशासन। तो इन दोनों ही शब्दों में जो शब्द का मूल अर्थ है वो बदला नहीं बल्कि उस अर्थ को एक नई विशेषता मिली है। तो उपसर्ग की एक विशेषता ये है कि ये शब्द को, शब्द के अर्थ को एक नई विशेषता देता है। ये उपसर्ग की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि शब्द के अर्थ को उलट देना। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम उपसर्गों का प्रयोग करें तो उन शब्दों के अर्थ जो है वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द। जैसे सत्य, सत्य शब्द के साथ जब हम आ उपसर्ग को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है असत्य। सत्य का अर्थ होता है सच बोलना और असत्य का अर्थ होता है झूठ या गलत। तो यहाँ पर इन शब्दांशों ने या इन उपसर्ग ने शब्द का जो मूल अर्थ है उसका बिल्कुल विरोधी भाव हमारे सामने रखा है। दूसरा शब्द है यश। यश इस शब्द में यदि हम अप उपसर्ग को लगाते हैं तो इस शब्द का मूल अर्थ भी बिल्कुल विरोधी हो जाता है। इसका जो नया शब्द बनेगा वो बनता है अपयश। अप धन यश बराबर अपयश। अपयश का अर्थ हो जाता है हार, जबकि यश का अर्थ है जीत। तो इस तरह से उपसर्ग की दूसरी विशेषता ये है कि उपसर्ग के माध्यम से या कुछ ऐसे शब्दों में उपसर्ग लगाने पर शब्द का जो मूल अर्थ है वो बिल्कुल ही उसको उलट देता है या उसको विरोधी भाव प्रदान करता है, जिससे विरुद्ध अर्थी शब्द बनते हैं। उपसर्ग की तीसरी विशेषता है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है।
कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जहां पर हम उपसर्ग को लगाते हैं या जो शब्दांश हम जोड़ते हैं, उन शब्दांशों के जुड़ने के बावजूद भी मूल शब्द जो है उसके अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, उसका अर्थ वैसे का वैसा बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध, शुद्ध इस शब्द में जब हमने वी उपसर्ग को लगाया तो ये बनता है विशुद्ध, दोनों के अर्थ एक जैसे हैं। दूसरा शब्द है भ्रमण, भ्रमण शब्द में जब हमने परि शब्द शब्दांश को लगाया तो इसका नया शब्द बना परिभ्रमण। लेकिन इन दोनों ही शब्दों के मूल शब्द और नए शब्द दोनों के अर्थ अपने आसपास ही घूमते हैं, इन दोनों ही शब्दों का अर्थ एक जैसा ही निकलता है। तो इस तरह से ये उपसर्ग की तीन विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि वो मूल शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता लाता है। दूसरी विशेषता, उपसर्ग शब्द के मूल अर्थ को बिल्कुल उल्टा कर देता है या विपरीत भाव प्रदान करता है। तीसरी विशेषता, कई बार उपसर्ग लगाने पर शब्दों का जो मूल अर्थ में है उसमें किसी तरह का कोई खास परिवर्तन नहीं होता, वो मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो ये थी उपसर्ग की तीन विशेषताएं। आगे हम देखेंगे उपसर्ग के भेद, यानी उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। हालांकि आपको परीक्षा में प्रकार बताने के लिए नहीं आता, केवल शब्द दिए जाएंगे, उनमें या तो आपको उपसर्ग जोड़ने होंगे या तो दिए गए शब्दों में से आपको उपसर्ग को अलग करना होगा। लेकिन उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो उपसर्ग के भेद या उपसर्ग के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अंग्रेजी के उपसर्ग और चौथा अरबी और फारसी के उपसर्ग। ये चारों प्रकार के उपसर्ग हमारी हिंदी की पुस्तक में ही पाए जाते हैं, क्योंकि हिंदी की पुस्तक में हिंदी के शब्दों के साथ संस्कृत, अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्दों का उपयोग भी किया गया होता है। हमारी हिंदी की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको हिंदी के शब्दों के साथ बाकी के तीन तरह के शब्द भी मिल जाएंगे। तो जब ये शब्द जैसे कि तैसे हमारी हिंदी की पुस्तक में आते हैं तो इनसे संबंधित उपसर्ग और प्रत्यय भी उसमें हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो यही हमारे उपसर्ग के चार प्रकार, पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा अंग्रेजी के उपसर्ग और आखिरी है अरबी और फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले हम देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी है उसका मूल जो है वो संस्कृत ही है। तो इसमें हम देखेंगे हिंदी में हमारे संस्कृत के उपसर्ग जो है वो अधिक होते हैं, क्योंकि संस्कृत के ज्यादातर शब्द हमारी हिंदी में आए हुए हैं। तो संस्कृत में 21 उपसर्ग होते हैं, यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और एक से दो अक्षर लंबे होते हैं। या तो इन उपसर्गों में एक अक्षर होंगे या दो अक्षर होंगे, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते, तो इनमें एक या दो अक्षर होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ ना कुछ विशिष्ट जोड़ देता है। संस्कृत के 21 उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण इस प्रकार हम देखेंगे। जैसे पहला उपसर्ग है अति, अति यानी ज्यादा, अधिक। तो अति शब्दों के साथ हम जब जोड़ते हैं तो उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है, वो शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो अति से अगर हम अति उपसर्ग जिन शब्दों में जोड़ते हैं तो वो इस तरह हो जाते हैं, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अधि। अगला उपसर्ग है अधि, अधि जोड़ने के बाद शब्द इस प्रकार बनते हैं, अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अनु, अनुचर, अनुकरण,
अनुसार अनुशासन, अपयश, अपमान, अपकार, अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। इन सारे संस्कृत के जो हमने अभी तक के 5 उपसर्ग देखे, इन उपसर्गों को लगाने के बाद शब्द का, मूल शब्द का जो अर्थ है वो कुछ विशिष्ट हो जाता है। इसमें विपरीत भाव कहीं भी निकल कर नहीं आता। संस्कृत के ज़्यादातर उपसर्गों की यही विशेषता होती है कि जब वो शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो शब्द के अर्थ को एक विशेषता प्रदान करते हैं। बाकी के उपसर्ग इस प्रकार हैं, अव, अवगुण, अवनति, अवतार, आ, आजीवन, आगमन, उद, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पाद, उपदेश, उप, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार, दुर, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, दुस, दुस्साहस, निर, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निस, निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, नी, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, परा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, परि, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, प्र, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतीक्षण, प्रत्येक, वी, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, सम, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, सु, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। तो इस तरह से ये संस्कृत के कुल 21 उपसर्ग थे, अति, अधि, अनु, अप, अभी, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वी, सुम, सु। ये 21 उपसर्ग, इसमें आप देखोगे तो केवल एक या दो अक्षरों के ही हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो एक या दो अक्षरों के ही हैं। इनको लगाने के बाद, शब्दों में इनको जोड़ने के बाद, शब्दों के अर्थ जो है वो परिवर्तित नहीं होते, केवल उन अर्थों को एक नई विशेषता मिलती है। ये हमने इन उदाहरणों के माध्यम से देखा। आगे हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के कुल 12 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब ये उपसर्ग, हिंदी के जो 12 प्रकार के उपसर्ग हैं, ये 12 प्रकार के उपसर्ग, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं इनमें जो शब्दों को विशेषता देते हैं, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं, और कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जो इन शब्दों के अर्थ को विपरीत भी बना देते हैं। यानी जो 3 प्रकार की विशेषताएं हमने उपसर्ग की पढ़ी थी, उनमें से ये 3 प्रकार की विशेषताएं हिंदी के उपसर्ग जो है वो शब्दों को प्रदान करते हैं। हिंदी का पहला उपसर्ग है आ। आ के माध्यम से अछूता, अथाह, अटल, पिछले स्लाइड में जैसा हमने देखा था असत्य,
तो इस तरह से आ उपसर्ग लगाने पर शब्दों को ज्यादातर विपरीत भाव मिलता है। अगला उपसर्ग है अन। अन के उदाहरण है अनमोल, अनबन, अनपढ़, कु, कुचाल, कुचेला, कुचक्र, दु, दुबला, दुलारा, दुधारू, नी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, आओ, औगुन, औघर, औसर, औसान, भर, भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार, सु, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, अध, अधपका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा, उन, 29, 59, 69, 39, पर, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, बिन, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो इस तरह से जो ये हिंदी के 12 प्रकार के उपसर्ग हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कुछ जगहों पर शब्दों को विशेषता मिली है, कुछ जगहों पर शब्द के अर्थ बदले हैं और कुछ जगहों पर शब्द के बिल्कुल विपरीत अर्थ बन गए हैं। तो ये हमारे सामने हिंदी के 12 उपसर्ग थे। कौन कौन से? अ, अन, कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर और बिन। ये हिंदी के 12 प्रकार के उपसर्ग। अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग। हमारी हिंदी की पुस्तक में कई शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी के हैं, लेकिन वो उनका रूपांतरण या उनका ट्रांसलेट हिंदी में नहीं किया गया है। वो वैसे के वैसे ही हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में प्रयोग में लाए गए हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए अंग्रेजी के उपसर्गों का ही प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी के हमारे पाठ्य पुस्तक में आने वाले अब तक के 6 प्रकार के उपसर्ग हैं। ये 6 शब्द जो हैं वो हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अंग्रेजी से लिए गए हैं। जैसे पहला उपसर्ग है सब। सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अब अगर आप देखोगे जज, कमेटी, इंस्पेक्टर, ये तीनों ही शब्द अंग्रेजी के हैं। तो इन तीनों शब्दों के जब हमें उपसर्ग लगाने होते हैं तो वो भी अंग्रेजी का ही होना चाहिए। तो हमारे पास अंग्रेजी का उपसर्ग है इनके लिए सब। जब हम इसके पहले सब इस शब्दांश को लगा देते हैं तो इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। सब जज हो जाता है, कमेटी का सब कमेटी, इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर। अगला उपसर्ग है डिप्टी। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। अब इन 6 प्रकार के उपसर्गों को अगर आप देखोगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि सब और डिप्टी और वॉइस, ये 3 शब्द जो हैं, ये जो मेन पोस्ट होती है उसके एक पोस्ट पहले वालों के लिए यूज की जाती है।
और बाकी के तीन शब्द जो हैं, शब्दांश जो हैं, जनरल, चीफ और हेड, ये मुख्य पद के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे जज है, जब इसके पहले हम सब लगा देते हैं, ये बन जाता है सब जज, यानी जज के एक पोस्ट पहले वाला पद। हेड है, हेड जो होता है वो मुख्य होता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के ये जो छह उपसर्ग हैं, इसमें से तीन उपसर्ग एक पद पहले वाला शब्द बताने के लिए और बाकी के तीन उपसर्ग मुख्य का पद बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के ये छह उपसर्ग हैं, सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। आगे हमारे सामने है अरबी और फारसी के उपसर्ग। क्योंकि हमारी हिंदी में अगर आप देखेंगे तो अरबी और फारसी के कुछ शब्दों का प्रभाव भी हमारी हिंदी में दिखाई देता है, तो इन शब्दों के लिए अरबी और फारसी के उपसर्गों का प्रयोग ही हमें करना होता है। अरबी और फारसी के कुल 12 प्रकार के उपसर्ग हमारी पाठ्य पुस्तक में हैं। अब ये उपसर्ग और इनके उदाहरण हम देखेंगे। पहला उपसर्ग है कम, कमजोर, कमबख्त, कम अक्ल, खुश, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, ना, नापसंद, ना समझ, नाराज, नालायक, ब, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बा, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, बद, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बे, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, ला, लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब, सर, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, हम, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, हर, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। इस प्रकार से ये अरबी और फारसी के 12 उपसर्ग हैं। इन 12 उपसर्गों के माध्यम से शब्दों को या तो नया अर्थ मिलता है या फिर उनका अर्थ जो है वो विपरीत बनता है। ये 12 उपसर्ग हैं, कम, खुश, गैर, ना, ब, बा, बद, बे, ला, सर, हम, हर। तो ये हमने 4 प्रकार के उपसर्ग देखे। संस्कृत के हमने कुल 21 उपसर्ग देखे, हिंदी के 12 उपसर्ग, अंग्रेजी के 6 और अरबी फारसी के भी 12 उपसर्ग। इन उपसर्गों के माध्यम से किसी भी शब्द के मूल अर्थ में या तो परिवर्तन होता है या उस मूल अर्थ को एक नई विशेषता मिलती है या फिर वो अर्थ बिल्कुल विपरीत भाव प्रदान करता है। तो इस तरह से ये हमारे उपसर्ग हैं। अब हम आते हैं कृति स्वाध्याय पर, यानी जिस तरह के प्रश्न आपको आपकी कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, 2 तरीके से ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर का जो भाग होता है 14 या 16 नंबर का, उस भाग में ये प्रश्न नहीं आते,
बल्कि ये प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपको शब्द संपदा के भाग में पूछे जाते हैं। एक या दो नंबर के लिए ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रकार है कृति स्वाध्याय का। उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए, या फिर उचित उपसर्ग लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। इस तरह का ये पहला प्रश्न होगा। पहले प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे। इन शब्दों में आपको उपसर्ग खुद से लगाना है। खुद आपको उपसर्ग ढूंढने हैं और वहां पर सही शब्द के साथ में सही उपसर्ग को लगाना है। जैसे हमारे सामने एक शब्द है वार। अब वार में हम कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं? तो परी। परी उपसर्ग लगाने पर यह शब्द बन जाता है परिवार। परि धन वार बराबर परिवार। श्वास। श्वास में वी उपसर्ग लगाने पर वी धन श्वास बराबर विश्वास। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने कुछ शब्द दिए गए होंगे। उन शब्दों के लिए सही उपसर्ग आपको ढूंढना है और शब्दों के साथ जोड़कर उन शब्दों को नया शब्द बनाना है। ये पूरे दो, एक शब्द आपको दिया हुआ है, एक उपसर्ग आप लगाओगे और साथ में नया शब्द लिखोगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप केवल उपसर्ग लगाकर उसे ऐसा ही छोड़ देते हो, अगर आपने केवल परिधनवार लिख दिया और उसका जो नया शब्द बनेगा परिवार ये नहीं लिखा, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको हमेशा उपसर्ग लगाते समय ध्यान में रखना है कि जो भी शब्द, मूल शब्द जो हमें दिया हुआ है, उस शब्द के साथ जो उपसर्ग में लगा रही हूँ, उपसर्ग के साथ मिलकर बनने वाला नया शब्द भी मुझे वहां पर कृति पत्रिका में लिखना है, आपकी उत्तर पत्रिका में आपको लिखना है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करोगे। शुरू के दो प्रश्न मैंने आपको उदाहरण बताए। पहले में हम लगाएंगे परी धनवार, तो वो बन जाएगा परिवार। दूसरे में हम लगाएंगे वी धन श्वास, तो वो बन जाएगा विश्वास। आगे के जो पांच प्रश्न बचे हैं उसे आप खुद हल करने का प्रयास करो। साथ ही ये भी ध्यान में रखो कि किन शब्दों में संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, किन शब्दों में हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, किन शब्दों में अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग हुआ है और किन शब्दों में अरबी और फारसी के शब्दों उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इन प्रश्नों को आप खुद से हल करने का प्रयास करोगे। आज के उपसर्ग के विभाग में हमने जिन उपसर्गों के बारे में पढ़ा, उनके माध्यम से, उनका उपयोग करके आप इन शब्दों के उत्तर खुद ढूंढने का प्रयास करोगे। साथ ही उनकी भेद भी आप अलग करोगे। आपको परीक्षा में भेद नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप अपनी समझ के लिए इसे करके रखोगे। अगला जो प्रश्न है वो इस तरह से आता है। या तो आपको पहला प्रकार मैंने जो दिखाया कृति स्वाध्याय का, उस तरह से प्रश्न आते हैं, या फिर ये दूसरा प्रकार है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। दो में से किसी एक तरह का प्रश्न ही आपको पूछा जाता है शब्द संपदा के विभाग में। तो दूसरे प्रकार का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग छाट कर लिखिए। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इसमें पहले से ही उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। उन प्रयोग किए हुए उपसर्गों को आपको इन शब्दों से अलग करना है और उसे लिखना है। तो जैसे हमारा पहला शब्द है उपवन। ठीक है, अब उपवन में हमारा मूल शब्द क्या है? वन। उपवन में मूल शब्द है वन, तो उपसर्ग क्या बचा? उप जो है वो है उपसर्ग। इसे हमें लिखना है कैसे? उप धन वन, इस तरह से आपको लिखना है। उपवन पहले से लिखा हुआ है, आगे जहां पर उत्तर आपको लिखने की जगह दी गई है वहां पर आपको लिखना है उप
धन वन। तो ये जो है, इस तरह से हमने उपसर्ग को शब्दों से अलग किया। दूसरा उदाहरण अगर आप देखोगे, दुर्बल, दुर्बल ये शब्द दिया हुआ है। इस शब्द में उपसर्ग पहले से लगाया गया है। कौन सा उपसर्ग लगाया गया है ये देखने के लिए शब्द का मूल शब्द आप खोजो। तो इस दुर्बल में मूल शब्द क्या है? बल। जब मुझे मूल शब्द मिल जाता है तो उपसर्ग ढूंढना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मूल शब्द है बल। अब बल में कौन सा उपसर्ग लगाया है? दुर। तो ये दुर जो है वो मेरा उपसर्ग है। तो मैं यहाँ पर उत्तर लिखूंगी अपना, दुर धन बल। इस तरह से जब मैं उत्तर लिखूंगी तो यहाँ पर मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। कई बच्चे सिर्फ वन या बल इस तरह लिखकर आ जाते हैं। तो आपको उपसर्ग छांटना है, लेकिन उपसर्ग और जो मूल शब्द है वो दोनों आपके उत्तर में दिखाई देना चाहिए। आपको इस तरह से उत्तर वहां पर लिखने हैं। तो यहाँ भी दो उदाहरण मैंने आपको बताए, बाकी के उदाहरण आप खुद हल करोगे। शब्दों में से उपसर्ग को अलग करोगे। उपसर्ग अलग करते समय सिर्फ एक बात ध्यान में रखोगे कि जो भी शब्द दिया है उस शब्द में से मूल शब्द जो है वो मुझे छांटना है। एक बार मैंने मूल शब्द को ढूंढ लिया तो मुझे उपसर्ग अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे परलोक, परलोक में मूल शब्द क्या है? लोक। तो बाकी का जो बचा हुआ भाग है या बाकी का जो बचा हुआ शब्दांश है वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो पर धन लोक बन गया परलोक। इसमें मूल शब्द है लोक और उपसर्ग है पर। इसी तरह से आप बाकी के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करोगे। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की विशेषताएं क्या है। तीन प्रकार की विशेषताएं हमने देखी। एक, उपसर्ग जब शब्दों में लगाए जाते हैं तो वो शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, जब उपसर्ग शब्दों में लगाए जाते हैं तो वो शब्दों को एक नई विशेषता प्रदान करते हैं। और तीसरा, यदि उपसर्ग शब्दों में लगाए जाते हैं तो कई बार वो शब्दों के अर्थ को बिल्कुल विपरीत बना देते हैं, उनको उल्टा भाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये उपसर्ग की हमने तीन विशेषताएं आज सीखी। उपसर्ग के प्रकार सीखे, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग। कौन-कौन से उपसर्ग किन भाषाओं से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में लिए गए हैं वो हमने सीखा। कृति स्वाध्याय के प्रश्नों को कैसे हल करना है ये आज की कक्षा में हमने सीखा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को उपसर्ग अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन प्रश्नों को हल करके अपने समझ में आपको जो आज का उपसर्ग का पोर्शन आया है उसे और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज का हमारा उपसर्ग का ये भाग जो है ये यहीं पर खत्म होता है। अगली क्लास में मैं प्रत्यय के साथ आपसे फिर से मिलूंगी।